है और 25 तारीख को किसान अपने अपने दरवाजे पे खलिया खाद का बोरा गर्दन में लटका करके विरोध प्रदर्शन करेंगे कि खाद का काला बाजारी बंद करो और इनपुट सब्सिडी जो फसल क्षतिपूर्ति का था जिसमें धांधली हुआ है सभी पंचायत का पुनः जांच कराया जाए। अररिया में देखिए अभी प्रवक्ता के अररिया में बीओ ने स्पष्टीकरण कृषि समन्वयक अनिल कुमार से पूछा और बीओ जब हमारी बात हुई डीओ से डीओ कहते हैं हमारे संज्ञान में नहीं है। एक सेंटर से 58 एक सेंटर से 34 किसानों ने आवेदन किया, एक सेंटर के किसानों को उसने अनुशंसा पैसा लेके किया है, दूसरे सेंटर का किया ही नहीं। स्थिति यह है कि वहां की महिला किसानों ने भी प्रदर्शन किया ब्लॉक में जाकर के और कोई कार्रवाई नहीं। खुदा पहाड़ थी निकली चुहिया वाली बात, 800 आवेदन जो है सो किसमुड़ी बिशनपुर के किसानों ने किया, वहाँ के 300 किसान को सेंक्शन किया। दहमा खेड़ी कुठा में 250 किसान आवेदन था, वहाँ जो है सो मात्र किसी को 1000 किसी को 500 कर दिया। चनौली के किसानों का जो है सो 34 आवेदन था, एक भी किसान को जो है सो यहाँ नहीं मिला। वह यहाँ का 17 हेक्टेयर पहले दर्शाया कि खाद अभी रकबा क्षति है और बाद में शून्य कर दिया। तो बीज वितरण के लिए आप लक्ष्य रखते हैं कि फलाने पंचायत में कृषि सलाहकार और एजेंसी गेहूं का बीज या फलाना बीज जो है सो इतना लक्ष्य में उसको वितरण कर रहा है। लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो आप दबाव डालते हैं, कृषि सलाहकार किसी तरह बीज वितरण कर देता है, लगा भी किसान देता है तो क्या उसका क्षति नहीं होता है। जब आपका यहाँ पे धान का रकबा आपने निर्धारित किया कि खगड़िया में हम इतना धान का खेती करेंगे और वो खेती नहीं हो पाया, तो इस पर जो है सो आप प्रति वाले किसान को भी फसल क्षतिपूर्ति देना था उसको भी इसने नहीं दिया। ये बता दें कि खगड़िया में एनजी ट्रेडिंग, आरजे ट्रेडिंग कंपनी और सब जो होलसेलर हैं, ये लोग खगड़िया के जो 74 में डिस्ट्रिक्ट हैं, लोकल डिस्ट्रिक्ट में जो है सो ये लोग खाद अपना बेच रहे हैं अवैध रूप से और यूरिया के साथ। कृषि निदेशक का कहीं, बिहार सरकार के कृषि निदेशक का कहीं डायरेक्शन नहीं है कि यूरिया के साथ किसानों को जिंक लेना है। यहाँ डुप्लीकेट जिंक जिसका कोई प्रभाव फसल पे नहीं है, जबरन जो है सो डीओ के इशारे पे अवैध उगाही के को लेकर के ये लोग जो है सो रिटेलर और होलसेलर किसान को जबरन गला में जिंक यूरिया के साथ दे रहा है और जो यूरिया 266 का दाम है उसको 350, 330, 400 में बेचा जा रहा है। मौसम परिवर्तन के कारण लगातार वर्षा हो रहा है बिहार में और सुबह खगड़िया में लोग यूरिया का फसल में छिड़काव कर रहे हैं, ऊंचे दाम पर लोग को खरीदना पड़ रहा है, गहना जेवर बंधक रख करके किसान खेती करता है और यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहे MLA हो या MP हो, सत्तारूढ़ के हो या प्रतिपक्ष का हो, कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। जो 1200 का DAP है वो 1500-1600 में यहाँ बिक रहा है। स्टॉकिस्ट गांव देहात में दाब करके यूरिया और DAP रखे हुए हैं। मक्का के खेती में चूंकि अब ग्रोथ मक्का लिया है तो जब तक वो ग्रोथ नहीं देता है उसमें DAP नहीं पड़ता है, जोत में पड़ता है या फिर जो ऊपर से मक्का गोब में लगाया जाता है लाठी के ऊर से उसमें बाद में DAP पड़ता है। तो अभी DAP पड़ना मक्का में लाजमी है, समय है उसका और DAP 1600-1500 में बेचा जा रहा है। सारा संज्ञान भी डीओ को है, जिला कृषि पदाधिकारी को आज से एक सप्ताह पहले मैंने कहा कि ये स्थिति है आप कीजिए। वो कहते हैं कि खगड़िया में खाद की कमी नहीं है और जिलाधिकारी को भी मैंने, खगड़िया जिलाधिकारी को भी मैंने कई एक बार मोबाइल के व्हाट्सएप पे सूचना दिया है कि ये स्थिति है, अलग कमेटी बना करके कृषि विभाग से नहीं दूसरे विभाग से आप छापामारी करवाएं और जांच करवाएं, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि DAP और यूरिया खगड़िया में किस रेट में बिक रहा है। पुराना पोटास जो 50 KG का था जिसका 850 रुपया कीमत है और नया पोटास जो अच्छा क्वालिटी का पोटास नहीं है वो 25 KG का 750 में बिक रहा है। किसान त्राहिमाम में है और कोई देखने वाला नहीं है, न जनप्रतिनिधि देख रहा। ये मैं डंके के चोट पे चुनौती लेकर के मैं मतलब कि शपथ पत्र देने के लिए तैयार हूँ कि खगड़िया में जलकौड़ा पैक्स हो या भदास पैक्स हो या फिर ये क्या कहते हैं ये संसारपुर पैक्स हो या कोई भी पैक्स है, सब जगह व्यापारी से धान लेता है किसान के नाम पर और उसके खाता में पैसा जाता है जो कोऑपरेटिव बैंक में खाता है और मिलर पैक्स अध्यक्ष
और सहकारिता विभाग के पदाधिकारी के निधि भगत से धान का लक्ष्य मान लीजिए कि हमारा निर्धारित है इतना खरीद का, और अंतिम अंतिम जाते जाते उतना चावल इसको आ जाता है जबकि धान खरीदने होता है, तीनों के निधि भगत से ये खेल बेल होता है। आप निकलवाइए दो साल का कि पिछले साल इसने किस किसान से धान खरीदा और इस साल किस किसान से धान खरीदा, आपको मुंह मिल जाएगा कि वही किसान पिछले साल दिया और वही किसान इस साल भी दे रहा है, वही अकाउंट में पैसा जा रहा है जो पिछले साल भी गया और इस साल भी गया। बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपया का किसानों का जो है बिचौलिया के माध्यम से बंदरबाट, ये प्रशासनिक डीसीओ पैक्स अध्यक्ष लोग करते हैं और हम लोग आवाज उठाते हैं, जनप्रतिनिधि एमएलए और एमपी भी कमीशन खाते हैं, इसीलिए ये मामला हाईलाइटेड नहीं होता है, सदन में आवाज नहीं उठता है। कारण है, सीधा कारण है कि एमएलसी शिक्षक प्रकोष्ठ से बनते हैं, पंचायत प्रकोष्ठ से बनते हैं, उसके बाद वो क्या कहते हैं एक और प्रकोष्ठ है उससे बनते हैं, नॉमिनेशन से बनते हैं, नॉमिनेट के द्वारा 12 बनता है, लेकिन किसान प्रकोष्ठ से ना राज्यसभा जाता है ना एमएलसी बनता है। किसान का जब जनप्रतिनिधि सदन में होगा ही नहीं तो आवाज कौन उठाएगा, ये सब दिख जाते हैं एमएलए हो या